हमें? वीरभद्र जी, कौन भोंग रहा है? हाँ वीरभद्र जी, आइए बाहर, इंस्पेक्टर अभिमन्यु आए हैं। अबे जाकर बोलो से, हम महीने में सिर्फ एक बार खैरात बांटते हैं पुलिस वालों को। जा, वो आपको गिरफ्तार करने आए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? ये सब इंस्पेक्टर साहब को बोला, चलो। मेरी इतनी हिम्मत? 2% का हवलदार होकर तूने हम पर हाथ डाला, हम तेरा ये हाथ ही काटेंगे। इंस्पेक्टर, तूने वीरभद्र रुद्र नारायण के गिरेबान पर हाथ डाला है, मेरे बेटे तुझे चीर डालेंगे। बुढ़े, मैं तेरे साथ तेरे पिल्लों को भी पट्टा बांधकर सरकारी दूध पिलाऊंगा। साहब साहब, वो इंस्पेक्टर अभिमन्यु अपने बड़े मालिक को पकड़ के ले गए साहब। क्या उसकी ये मजाल? आओ मेरे साथ। बाबूजी, इंस्पेक्टर तुम हमारे पिताजी को इस तरह अंदर नहीं रख सकते। लो, यह है उनके जमानत के ऑर्डर। इस ऑर्डर पर शहद लगाकर चाटो और दफा हो जाओ यहां से। मेरे पास तुम्हारे बाप का गैर जमानती वारंट भी है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिताजी मेरी कमजोरी है, मैं अपने पिताजी को इस तरह इस हालत में नहीं देख सकता। हवलदार मुकुंद राम भी किसी का बाप था। मैं वादा करता हूं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिताजी के साथ मैं अपने भाइयों को लेकर हमेशा के लिए शहर छोड़ के चला जाऊंगा। तेरा बाप एक कातिल है और तुम सब मुजरिम हो। जब तक तुम्हारे बाप को सजा नहीं होगी, भूल कर भी यह शहर नहीं छोड़ना, वरना तुम्हारे बाप की वो हालत करूंगा, ना तुम उसको पहचानोगे और ना ही वो तुमको पहचान पाएगा। भैया, बाबूजी का क्या होगा? हम आज रात फैसला करेंगे। कम ऑन आरिया। सर, पुलिस स्टेशन में हमला हो रहा है। ये तो खत्म हो गई। पिताजी, आपकी चिता की कसम, हम इंस्पेक्टर अभिमन्यु को बता देंगे कि बाप की मौत का दर्द क्या होता है। मौत का बदला मौत और बाप का बदला बाप। भाभी जी, be happy, आपके पतिदेव आ जाएंगे। बहू, उदास मत हो, अभी वन्यू अपना काम खत्म करके आ जाएगा। मैं दोस्त बना रही हूँ। उनके बिना पिकनिक बड़ी बोर लग रही है। बहू, आज कितने अरसे के बाद हम एक साथ बाहर निकले हैं ना? तुम लोग यमदूत, देखिए हम चारों बहुत दुखी हैं। हमने अपने बाप की चिता जलाई है। हम लोग
हम लोग साला मातम मना रहे और तुम लोग यहाँ खुशियां मना रहे हो। हम अभिमन्यु को अपनों की मौत का नजारा दिखा देंगे बुड्ढे। तो होना ही था जिगर, ये तो होना ही था। तेरे उसूल, तेरी ईमानदारी की शक्ल में आज इन लाशों को देख ले। मैंने इन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर रूप शंकर और उसके आदमियों ने इन्हें मौत के घाट उतार ही दिया। मैं उन्हें फांसी लगा दूंगा सुल्तान भाई, फांसी लगा दूंगा। फिर गलती कर रहा है जिगर, गलती कर रहा है। तेरी ये पुलिस की वर्दी एक चक्र क्यों है? इस चक्र में से बाहर निकल अभिमन्यु। ये वर्दी पहनकर तूने सजा तो दिलवा सकता है, लेकिन उन्हें फांसी के तख्ते तक नहीं ले जा सकता। ये अंधा कानून उन्हें बचाने के लिए हजार रास्ते तलाश कर लेगा, हजार रास्ते तलाश कर लेगा। तुम्हें अपराध से लड़ना है तो वर्दी का गुलाम बनकर नहीं, सुल्तान बनकर लड़ना होगा। तुझे सुल्तान की कसम, तू सुल्तान बनकर जिएगा, तू सुल्तान बनकर जिएगा। बोल, तू बोल। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम चारों ने कंधों पर अपने पिताजी का मुर्दा उठाया है, अब तेरा मुर्दा उठाएंगे। जलाएंगे नहीं, तेरी लाश को चील कौए खाएंगे, तभी हमारे पिताजी का पिंडदान होगा। दिखाओ इसे हमारा आखिरी आइटम। रोकड़े, इसकी लाश का पता नहीं चलना चाहिए। फिकर नॉट, बिल्कुल नहीं चलेगा।
हूँ। इंस्पेक्टर अभिमन्यु अब जाओ काम से। खत्म फिनिश है। सब ठीक है ना? चिंता मत कीजिए। ये वर्दी पहनकर तूने सजा तो दिलवा सकता है, लेकिन उन्हें फांसी के तख्ते तक नहीं ले जा सकता। तुम्हें अपराध से लड़ना है तो वर्दी का गुलाम बनकर नहीं, सुल्तान बनकर लड़ना होगा। तुझे सुल्तान की कसम। तुझे सुल्तान की कसम। तू सुल्तान बनकर जिएगा। तू सुल्तान बनकर जिएगा। सुल्तान, सुल्तान कौन है ये सुल्तान जो हमारे वजूद को हिला रहा है? क्या बिगाड़ा था मेरे छोटे भाई ने उसका? पता करो किस बिल में छुपा है वो। मैं खत्म करूंगा सुल्तान को। खेल तो अब शुरू हुआ है कुत्ते। तू तो मर गया था ना अभिमन्यु? अभिमन्यु नहीं, सुल्तान बोल सुल्तान। अभिमन्यु को तू क्या मारेगा कुत्ते? अभिमन्यु ने खुद को मारा है, अपने आप को खत्म किया है। चल सुल्तान ही सही, आज का दिन तेरी जिंदगी की आखिरी तारीख होगी। सुल्तान अपने आप में एक तारीख है। देख, मैं खुद चलकर आया हूं सर पर कफन बांधकर। अगर तू एक बाप की औलाद है तो आकर मुझे खत्म कर दे। हाँ सुल्तान, आज तू हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगा। इसी जगह पर तेरी लाश दफना कर तेरी कब्र बनाऊंगा। Thank you.
शेखू, शेखू। सर शेखू बड़ा उदास हो गया है, सुबह से उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, छत पे बैठा रो रहा है। अरे रो क्यों रहा है, खाना क्यों नहीं खाया? हराम का खाना नहीं खाऊंगा, बूट पॉलिश कर लूंगा मगर ये खाना मैं नहीं खाऊंगा। क्या हुआ? मैं यतीम हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अरे नहीं शेखू, मैं हूँ ना, तू मेरा बेटा है। मेरा बेटा नहीं हूँ। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ शेखू, तू मेरा सपना है। कैसा सपना? मुझे दूसरा सुल्तान बनाने का? मुझे सुल्तान नहीं डॉक्टर बनना है। पहले अम्मी मर गई, फिर मेरे अब्बू को मार दिया, फिर तुम्हें भी कोई मार देगा, फिर मेरा क्या होगा? मैं तो यतीम हो जाऊंगा चाचू। रो मत शेखू, तू सुल्तान भाई की अमानत है, तेरे अब्बू के बहुत एहसान है मुझ पर। अब हम यहां नहीं रहेंगे, कहीं दूर चले जाएंगे, बहुत दूर, जहां हमारी एक नई पहचान होगी। मैं मेहनत की कमाई से तेरा मुस्तकबिल लिखूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। शहर छोड़ा, पहचान छोड़ी, सुल्तान भाई की अमानत शेखू को लेकर 2 साल तक भटकता रहा। आशा मैं भूल जाना चाहता हूं मेरे पुराने वजूद को, लेकिन किस्मत मुझे हर बार मेरे गुजरे कल की दहलीज पर खड़ा कर देती है। कबीरा कबीरा, शेखू को कोई जला जला सा आदमी उठा लेके गया और तुमको माल गोदाम बुलाया है। रुको कबीरा रुको, वह तुम नहीं सुल्तान जाएगा, सुल्तान जो पापियों का सर्वनाश करने के लिए पैदा हुआ था। तुम हमारे शेखू को सही सलामत वापस लाओगे? भैया आपको यकीन है कि अभिमन्यु यहाँ पे आएगा? अभिमन्यु तो क्या, उसके फरिश्ते भी यहाँ आएंगे। लगता तू वो कहानी भूल गया भीमा, जो पिताजी हमें बचपन में सुनाया करते थे। कौन सी भैया? वही मायावी जादूगर वाली। वो जादू महल का शैतान जादूगर, जिसकी जान उस पिंजरे में बंद तोते में रहती थी, इस पिल्ले में भी उस अभिमन्यु की जान, वो जरूर आएगा इस मौत के चक्करव्यूह में। सुल्तान आओ, सुल्तान उर्फ अभिमन्यु उर्फ कबीरा। तुम क्या समझते थे नाम गांव पता और पहचान बदलकर तुम मेरे खौफ से बच जाओगे? नहीं, कभी नहीं। 2 साल सुल्तान, जिस तरह मैं नफरत की आग में इस बदसूरत चेहरे के साथ जलता रहा हूं, जिस तरह मैं रोया हूं, उसी तरह मैं तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा सुल्तान। रोते वो है रूप शंकर जो बुज़दिल होते हैं, रोज रोने के बदले एक बार शीशा देखता तो भूल कर भी यहां आने की भूल नहीं करता। भूल तो तुमने की है सुल्तान यहां आने की। आज तेरे पिल्ले को ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारे आंसुओं का सैलाब भी इस तेजाब को ठंडा नहीं कर सकेगा। भैया Come on.
भाई साहब। भैया देश के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर स्वामी आए हैं। भाई साहब आपकी सूरत को पहले जैसा बना देंगे। मुझे नया चेहरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंस्पेक्टर अभिमन्यु का पता चाहिए। डॉक्टर मेरा भी नूरानी चेहरा था, बड़े प्यार से पिताजी ने मेरा नाम रूप शंकर रखा था, रूप शंकर। आज 2 साल से मैंने अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा, सिर्फ इस आदमी की वजह से। इस इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया है। अगर तुम तीनों मेरे भाई हो तो जाओ पता करो, अगर वो जिंदा है तो कहां है। मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि मौत का कलेजा भी काम उठेगा। चल अरे ये गिर क्यों गया? ओहो 6 बज गए, तभी मैं सोचूं मेरे हाथ पर हिलने क्यों लगे। जब से ये कबीरा आया है तब से मेरी ऊपर की कमाई बंद हो गई, पटाना पड़ेगा। गुरुजी गुड इवनिंग। गुरुजी जरा 50 रुपए देना। दारू पीना है? अरे नहीं नहीं क्या बात करते हो, मैं और दारू? अरे नहीं नहीं पर दवाई के लिए 50 रुपए, सिर्फ दवाई के लिए। दारू के लिए पैसा नहीं मिलेगा? अरे कैसे नहीं मिलेगा, मैडम तो देती थी मेरे को। तो मैडम से मांग ले। अरे मैडम से मैं कैसे, मैडम को कहा तो मैडम ने कहा आपसे ले ले। ए, दारू के लिए पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ दारू बंदी है। दारू बंदी तो फिर काम बंदी, ताला लगा दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तू इनकलाब कर या मुर्दाबाद, तुझे पैसा नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा गुरुजी, जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल लगता है ना, वैसे मुझे चलाने के लिए दारू लगती है। अगर मुझे दारू नहीं मिलेगी तो मेरा चक्का जाम हो जाएगा गुरुजी। मुझे जाम चक्का खोलना आता है। मुझे नहीं करनी नौकरी, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब? Hey, मेरा हिसाब कर दो बस। तू ऑलरेडी 2000 रुपए एडवांस ले चुका है। अरे फिर तो फिर मेरे प्रोविडेंट फंड का क्या, ग्रेच्युटी बोनस उसका क्या भैया? ये प्राइवेट गैराज है, सरकारी दफ्तर नहीं, पैसा नहीं मिलेगा। हाँ तो फिर मैं यूनियन में जाऊंगा। तू यूनियन में जाइ या में, नो वर्क नो पे। अरे लात मारता हूँ ऐसी नौकरी को। उससे पहले मैं तुझे एक लात मारूंगा। जब तक दारू नहीं छोड़ेगा यहाँ आना नहीं। अरे नौकरी छोड़ सकता हूँ, दारू नहीं छोड़ सकता हूँ, यहाँ आकर सब तोड़ डालूंगा। तू जाता है या? तो शेखू तुम्हारे डैडी बहुत हैंडसम है, उनको क्या पसंद है? वो मेरे डैडी नहीं है, गॉडफादर है। तुम्हारे मम्मी डैडी? खुदा के पास है। सो सैड, आई एम सॉरी। एक बात बताओगे? तुम्हारे कबीरा की फैमिली है? नो फैमिली। यू मीन अकेला है? हाँ। शेखू एक बात पूछूं? क्या? मेरे से शादी करेगा? बोल ना। मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। धत, मैं तुम्हारी नहीं कबीरा की बात कर रही हूँ। तो कबीरा से जाके पूछो ना। करेक्ट। अब तो कबीरा को प्यार का चॉकलेट खिलाना ही पड़ेगा। कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक मच्छर पूरे आदमी को बना देता है, और एक वोट जो है वो पूरी सरकार को गिरा देता है। ये एक कीला देखिए मेरे लिए क्या चमत्कार करता है। ये झटका कैसा, देखो नहीं डाली क्या हुआ? यस। ये तो पंचर हो गया। अरे झूले लाल, हो गया पूरा। आपके साथ तो हमेशा गड़बड़ होती है। पिछली बार आपको डिसेंट्री हुई थी, उस वक्त आपने पूरा प्रोग्राम पंचर कर दिया था। बड़ी अब क्या होगा डार्लिंग? अरे डार्लिंग वही होगा जो हमें मंजूर होगा। बड़ी साई तू है कौन? अरे भेड़ा ये मत पूछो कि हम आपके हैं कौन, ये जानो यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब किसी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो उसका ड्राइवर चीख चीख कर पुकार पुकार कर एक ही नाम को पुकारता है, चतुर्भुज कहाँ है? किधर है चतुर्भुज? अरे भेड़ा तुम्हारे सामने खड़ा है, उधर किधर देखता है? तो चलो जल्दी जल्दी टायर चेंज करो। 500 रुपया लगेंगे। बड़ी चेंज करने का 500 रुपया? बड़ी लूटता है हमको। अरे भेड़ा ये कार का घर के अंदर रहता बीवी नहीं है जो आसानी से चेंज हो जाए। क्यों बीवी जी? मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। ये भी आपका
शट अप। देखो जल्दी जल्दी टायर चेंज करो नहीं तो मेरा हस्बैंड आ जाएगा। अरे भेड़ा क्या सोचता है, जल्दी जल्दी निकाल नोट, इसका हस्बैंड आ जाएगा तो तेरा बैंड बजा देगा। ये लो 500 रुपए, बड़ी कुछ कंसेशन करो नी। अरे कंसेशन, अच्छा ठीक है सेल टैक्स मत देना। सर गाड़ी तैयार। थैंक यू वेरी मच। चल मेरी मम्मी मेरी डार्लिंग। अब आएगा मजा। एक किला ने इस कड़के की कड़की दूर कर दी। 500 रुपए की देशी दारू पियूंगा, देशी मुर्गा खाऊंगा और पूरे शहर की गाड़ियों के टायर पंचर कर दूंगा। देख दीदी, स्टैंड पर खड़ी कोई कार की माफिक लगती है। पता है जब हिंदी फिल्मों में किसी लड़की को प्यार हो जाता है तो वो उसके सपनों में खो जाती है। दीदी क्या सोच रही हो? नट बोल्ट, लगता है मुझे प्यार हो गया यार। दीदी कितना परसेंट? 50% मेरी साइड से। और उधर से? 0, स्टार्ट ही नहीं लेता। एक्सीलेटर दिया, पिकअप ही नहीं लेता यार। दीदी आइडिया से काम लो। कहाँ से लाऊं रे आइडिया? फिल्मों से। हीरोइन अपने हीरो को कैसे पटाती है? कैसे फसाती है? भंग पिला के। जस दीदी, दूध में भंग मिलाकर पिलाओ चकाचक, फिर देखो हंगामा। कितना काम करते हो कबीरा? काम की बगारी तो खाता हूँ मैडम, पर खाने के साथ पीना भी तो जरूरी है ना। लो दूध पियो। जी मैं दूध नहीं पीता। दूध नहीं पियोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जी? मतलब सेहत का हेल्थ टॉनिक है ये, पीना जरूरी है, प्लीज पी लो। नहीं जी, जी मैं नहीं पीता। मेरे लिए पी लो प्लीज। टॉनिक तुम्हें भी पीना चाहिए। नहीं 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 नहीं, तू पियो। अरे ना ना ना, हेल्थ इज वेल्थ, दोनों को पीना चाहिए। तू कीला नहीं, तू खंजर है, करता टायर तू पंचर है। अभी तक कोई क्यों नहीं। यस। अरे ये मेरी गाड़ी भी पंचर होगी? सर पंचर बना दूं, एक पंचर का 200 रुपया। तुम कौन हो? अरे गाड़ी चलाते हो और हमारा नाम नहीं जानते हो? नाम हमारा है चतुर्भुज, पंचर रिपेयर एक्सपर्ट। अच्छा तो तुम वही आदमी हो जो लोगों की गाड़ियां पंचर करते हैं? पंचर वो कीला करता है, मैं सिर्फ रिपेयर करता हूँ। अच्छा तो यही है वो कीला जिसे तुम सड़क पर फेंकते हो और लोगों की गाड़ियां पंचर करते हो? हाँ करता हूँ, आप क्या कर लोगे? CID इंस्पेक्टर OP मिश्रा नाम है मेरा। बहुत पब्लिक कंप्लेंट है तुम्हारे खिलाफ। अब तू चल पुलिस थाने में। किधर चला गया वो? आज 2 साल हो गए बापू को मरे हुए। अभिमन्यु कहाँ गायब हो गया होगा? पता नहीं, उसे जमीन निकल गई, आसमान खा गया। अरे धूम दबाकर भाग गया होगा आप लोगों के डर से। टेल बिटवीन लेग रनअवे। सर मीरठ में मेरे बेटे का यज्ञोपवीत है, थर्ड सेरेमनी, थोड़ा सा रोकड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा।